आप सब बच्चों का इस्तकबाल है बच्चों के खास प्रोग्राम कलर्स ऑफ इस्लाम में। और आज हमारे पास हमारे प्रोग्राम कलर्स ऑफ इस्लाम में ये कलरफुल पाउचेस भी है। प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं जा रहा हूं 2 मिनट के लिए और आता हूं मैं। आप लोगों को तब तक आपस में डिस्कस करके ये 4 पाउचेस ले लेना है। एक रूल है, रूल ये है कि किसी ने भी पाउच खोला तो उसका पाउच वापस ले लेंगे हम लोग। खोलना नहीं है पाउच खोले तो क्या होगा, पाउच वापस ले लेंगे। और मैं आ रहा हूं बस, तब तक आप लोग ये पाउच लीजिए इंशाल्लाह। और फिर तो अभी पाउचेस हो गए डिवाइड। अभी क्या हुआ, सबसे अच्छा पाउच किसको मिला? रुको, सबसे अच्छा पाउच आपको ब्लू कलर चाहिए था। ओके, येलो भी अच्छा है। और आपका येलो, आपको ये वाला चाहिए? ये सारा का है, ये इसका आपका पाउच है ना? हाँ, ओके। इससे ज्यादा तो मेरे पाउच है। चलिए अभी हम पाउच खोलेंगे। चलो सब लोग अपने अपने पाउच खोलो। रुको, पहले खोलेंगे आप पाउच खोलो। क्या है निकाल? पेपर काम आएगा, न्यूज़पेपर। सबको ही मिला। ऊपर रख के खोल, बेंच पे रख के खोल। पेपर, ओके, अब आपकी टर्न। पेपर मेरा भी। क्या है इसमें? क्या है इसमें? निकाल के रखो, डालो यहाँ पे। ये सब है किसका? पर मैं अपने नए पाउच में डाल दूंगी। और पेपर भी है। यस, तो ये सब किसका है? मेरा। इससे हम क्या सीख रहे हैं? अब इससे क्या सीख रहे हैं? ये सीखने में थोड़ा गंदा है, थोड़ा गंदा है, ज्यादा गंदा है, बहुत ज्यादा। किसी को ये लेना था? मेरे को लेना था, मेरे को लेना था। नहीं लेना था आपको, ये चॉइस से लिए कि मजबूरन लेना पड़ा? मजबूरन लेना पड़ा है ना। ओके, अब सीखे क्या इस चीज से? क्या सीख रहे हैं आप लोग, बोलिए पहले। ओके बोलो, चलो विस्तार। खराब चीज में अच्छी चीज रहती है और अच्छी चीज में कुछ नहीं रहता है। अब हर खराब चीज में अच्छी चीज जरूरी नहीं निकले, लेकिन खराब में से भी अच्छा निकल सकता है और अच्छे में से कुछ नहीं निकले, ऐसा भी होता है। हाँ, तो क्या सीख रहे हैं हम लोग? बाहर का देखा मत करो, अंदर हो सकता है बहुत काम की चीज है। हाँ, मेरे को तो मिल गई काम की चीज। ये सब आपका है, किसी और का नहीं। और सेकंड चीज क्या सीख रहे हैं हम लोग, पता है आपको? आज हम लोग अखलाक के सेक्शन में हम ये सीख रहे हैं। हमारा अखलाक का सेक्शन चल रहा है और हम लोग ये सीख रहे हैं एक हदीस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो हदीस, हदीस सुनो, हदीस सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान रखो अपना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यूमिनु अहदुकुम, हदीस सुनो और बताओ क्या करना चाहिए, और जो सही जवाब देगा उसको ये बड़ी वाली बाइक मिलने वाली है। ध्यान से सुनो, मैं बता रहा हूँ। ला यूमिनु अहदुकुम, तुम में से किसी ने ईमान तब तक नहीं लाया, हत्ता युहिब लिअखी मा युहिबु लिनफ्सिही, यहाँ तक का कि अपने भाई के लिए वो ना पसंद करे जो खुद के लिए पसंद करता है। तुम्हें खुद के लिए क्या पसंद है? जब तक अपने भाई के लिए ना पसंद करो तो तब तक तुमने ईमान नहीं लाया। जब तक वो ना पसंद करो जो खुद के लिए पसंद करते हो, वो अपने भाई के लिए ना पसंद करो, तब तक तुमने ईमान
तब तक तुमने ईमान नहीं लाया। नहीं लाया ईमान, लाया तो खुद के लिए क्या पसंद करोगे, खुद के भाई के लिए क्या पसंद करोगे कि गंदा उसको दो अच्छा मैं लूंगा। हाँ गंदा गंदा अब भाई को दो अब अच्छा अच्छा मेरा, ऐसा पसंद करोगे? नहीं, तो बताओ आप लोगों को क्या करना चाहिए? जो मिलता वही लेना चाहिए। हुआ ना वो क्या होना चाहिए था, कैसे होना चाहिए था बताओ? अच्छा। नहीं 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 किसको चाहिए बड़ी बाइक, किसको चाहिए बताओ, सही जवाब दो। हाँ बड़ा स्टार भी दे सकते हैं। यस मुझे बड़ा स्टार। यस लेकिन जवाब तो दो, जो मिलता है वही लेना चाहिए। नहीं जो मिलता है वो लेना चाहिए, एक आंसर जो ठीक है। और बताओ मैंने बोला ना मैं अपने भाई को अच्छा। अब देखो फिर से यहाँ पे चार पाउच है, आ जाओ दो फिर से लेके उसको। नहीं नहीं वो तुम्हारा ही है वो, अब चेंज नहीं होने वाला है, जिसका जो है वही मिलने वाला है। अब इसके बाद में सुनो, जब कहा जाता है कि ले लो तो क्या कहोगे आप मालूम है? आपको दिख रहा है एक थोड़ा गंदा दिख रहा है तो आप क्या करोगे? उसे नहीं। आप बोलोगे दिल बड़ा करो, दिल बड़ा करो, बोलना कि उर्वा समरा हना सारा सब लोग क्या बोलेंगे, क्या होना चाहिए पता है आपको? दिल बड़ा रहना। दिल बड़ा रहना। दिल बड़ा का मतलब क्या है? दिल बड़ा मतलब हमें खराब देना चाहिए और दूसरे को अच्छा दे देना चाहिए। मतलब आप कहोगे, आप क्या कहोगे मालूम है सारा? आप कहोगे कि देखो आप लोग सब ये ले लो मैं ये लूंगी, आप ऐसा बोलोगे। हाँ। फिर आप बोलोगे आप लोग सब ये ले लो मैं ये लूंगा, फिर आप बोलोगे आप लोग सब ये ले लो मैं ये लूंगा, फिर आप बोलोगे आप लोग सब ये ले लो मैं ये लूंगा। ना बोल दिया मैंने ये ले ली। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।